खंड दो, प्रतिलेखन संख्या 39। सज्जनों और देवियों, विगत 2 दशकों से मेरा संपर्क जहाँ तक कार्यालयीन कार्यभार का प्रश्न है, देश के विभिन्न भागों में कार्यरत स्वैच्छिक हिंदी संस्थाओं से रहा है। अतः एवं आज इस गौरवपूर्ण मंच से संस्थाओं और अनेक इर्द गिर्द की बातों पर अपने विचार केंद्रित करूंगा, जहां हिंदी शिक्षण एवं परीक्षा संचालन, हिंदी प्रचार प्रसार के सर्वाधिक रचनात्मक कार्यक्रम हैं, वहीं हिंदीतर क्षेत्र में हिंदी के लिए अनुकूल वातावरण निर्माण भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। आज इन कार्यक्रमों के संचालन सहज सुगम नहीं रह गए, बल्कि चुनौतीपूर्ण हो गए हैं। विद्यार्थियों की योग्यता बढ़ने के लिए शिक्षा एवं परीक्षा के अतिरिक्त हिंदी वक्तव्य, निबंध, वाद विवाद के साथ साथ नाटक, एकांकी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है। हिंदी शिक्षकों प्रचारकों के लिए शिविर, पुनश्च कार्य शिविर, पुरस्कार योजना जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। अनुकूल वातावरण निर्माण के लिए जहां इन कार्यक्रमों को अधिक प्रभावी और परिणामी बनाने की आवश्यकता है, वहीं अन्य प्रभावी कार्यक्रमों की परिकल्पना करनी होगी। हिंदी शिक्षण परीक्षा संचालन और वातावरण निर्माण इन तीनों के मुताबिक अनुपातिक और सफल आयोजन पर विद्यार्थियों का हिंदी ज्ञान अर्थात हिंदी बोलने, पढ़ने एवं लिखने की दक्षता का पूरा दारोमदार टिका रहता है। आज जबकि बहुत तेरे विद्यार्थी शिक्षक बनने की राह में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, तो हिंदी शिक्षक की योग्यता एवं दक्षता ऐसे ध्यान देने का विषय है जो राज्य के इतने सारे हिंदी सीखने वाले विद्यार्थियों के स्तर के लिए निर्णायक पहलू है। यह नकारा नहीं जा सकता कि किसी भी संस्था के लिए उनके प्रचारक ही आधारभूत परिसंपत्तियां होते हैं। प्रचारकों के सत्य प्रयास एवं सुकार्य से संस्था की जड़ें मजबूत होती है। वास्तव में हिंदी की प्रचार योजनाओं का सफल कार्यान्वयन सभी संबंधित पक्षों के प्रयास के समन्वय से ही असंभव है। संस्था के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, प्रचारक गण, विद्यार्थी और अंत में किंतु कदापि कम नहीं, सरकारी व्यवस्थता के तालमेल पर इन सबके कार्यों के उचित समन्वय का प्रयत्न स्वतः दृष्टि से निरंतर जारी रहना चाहिए। और यह भी ध्यान रहे कि जाने
अनजाने दामन में दाग न लग जाए। भारत ग्रामों का देश है और अधिकांश भारतीय जनता ग्रामों में बसती है। नगरों और शहरों के नागरिकों को शिक्षा की कोई सुविधाएं प्राप्त है, यूँ उन्हें हिंदी पढ़ने के यथेष्ट अवसर उपलब्ध हो जाते हैं। अब आवश्यकता इस बात की है कि ग्रामवासियों को हिंदी सीखने के अधिक अवसर प्रदान किए जाएं। हिंदी राष्ट्रीय अस्मिता, राष्ट्रीय पहचान, राष्ट्रीय गौरव की भाषा है। यह राष्ट्रभाषा राजभाषा घोषित तो हो चुकी है, किंतु अब तक इसे अपना उचित स्थान प्राप्त नहीं हुआ है। इसके लिए जब तक शासन और जनता दोनों ओर से समन्वित प्रयास नहीं होगा, लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकेगी। राष्ट्र भाषा से ही किसी राष्ट्र की भावात्मक एकता, राष्ट्रीय एकता की प्राप्ति की जा सकती है। अपने देश की भाषा को छोड़ किसी अन्य विदेशी भाषा से इसकी प्राप्ति कदापि नहीं की जा सकती।